वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संचिता और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मेलोडियस गीत लेके आई हूं जिसका आपको बहुत बहुत दिनों से इंतजार भी था। 1985 की फिल्म राम तेरी गंगा मैली से लिया गया है ये गीत। लिरिक्स लिखे हैं रविंद्र जैन जी ने, म्यूजिक कंपोज की है रविंद्र जैन जी ने और गाया है बहुत ही मधुर लता मंगेशकर जी ने। तो चलिए सीखें इस गीत को। ये गीत राग किरवानी पर आधारित है जिसमें कोमल ग और कोमल ध का प्रयोग किया जाता है, शेष सभी स्वर शुद्ध लगाए जाते हैं। राग किरवानी को ज्यादातर वाद्यों पर ही बजाया जाता है और ये संपूर्ण जाति का राग है। इस राग को किसी भी थाट में नहीं रखा गया है और इस राग में बहुत से फिल्मी गीत बनाए गए हैं, जैसे बेकरार दिल तू गाए जा याद न जाए, एक राधा एक मीरा। जो ताल बजाई गई है इस गीत में वो है 8 मात्रा की ताल, ताल कहरवा। तबला ऐप पर टेम्पो रख सकते हैं 320। तानपुरा है 20 स्केल पर सा प, क्योंकि राग किरवानी में वादी स्वर है प और संवादी स्वर है सा। सा ग म ध प नि ध प ध म ग रे ग रे सा नि ध नि रे सा नि ध प म ग रे सा। स्टार्टिंग में बहुत ही सुंदर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजाया गया है, उसकी नोटेशंस दी गई हैं। सेकेंड टाइम वेरिएशन है अंतर क्या प प ध नि नि म दोनों की म ध ध नि नि रे सा सा प चाह में बोलो प म ध प म ग रे सा सा। एक प्रेम दीवानी सग प प नि ध म ग रे, एक ग म ऑफ बीट दरस दी प ग सा ध वानी एक स
सा ग ग म म प प नि प्रेम दीवानी ध ध म म ग रे एक ग प म ध दरस दीवानी प ग सा सा सा। नेक्स्ट टाइम जब फिर से गाएंगे एक राधा सेम नोटेशंस एक मीरा रे सा सा नी ध प दोनों ने प ग प ध सा सा एक प्रेम दीवानी एक ऑबिट दरस दीवानी सा सा। हर लाइन को अलग से देखते हैं सा प सेकेंड टाइम अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। नेक्स्ट टाइम एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो एक एक दरस दीवानी। फर्स्ट टाइम हम विदाउट एनी बीट्स गाते हैं और सेकंड टाइम हम तबले के साथ गाते हैं। इस गीत को हमें ताल की सातवीं मात्रा से गाना है धागे ना तिनक एक राधा धागे ना तिनक एक राधा एक स्टैंजा से पहले इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजाया गया है उसके नोटेशंस दिए गए हैं। राधा ने प ध नि प प म ग मधुबन प ध नि सारे गुरु
सेकेंड टाइम, अंतर क्या पापा धनी नीमा दोनों की, मध धनी नीरे सा सा पा प्रीत में बोलो पम पध पम गगर सा सा एक सागर वन ऑफ बीट। सूरत लुभानी पध पा मगरे एक मूरत लुभानी गमा पगरे सासा सेकेंड टाइम एक सूरत लुभानी गमा म धम ध धम मगरे एक गमा मुरत लु पग साध भानी एक सग गम पपनी प्रेम दीवानी ध ध मम गरे एक गमा दरस दीवानी सा सा। हर लाइन को अलग से गा के देखते हैं। राधा ने मधुबन में ढूंढा मीरा ने मन में पाया, राधा जिसे खो बैठी वो गोविंद सेकेंड टाइम अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो एक सूरत लुभानी एक मूरत लुभानी सेकेंड टाइम एक सूरत लुभानी एक मूरत लुभानी एक एक दरस दीवानी। स्टैंजा को हमें ताल की चौथी मात्रा से गाना है। धागे ना तिनक धिन धागे ना राधा ने, धागे ना तिनक धिन धागे ना राधा ने मधुबन एक मुरली एक पायल। इस लाइन को हमें फिर से सातवीं मात्रा से लेना है। धागे ना तिनक एक मुरली एक पायल एक पगली एक घायल अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो एक सूरत लुभानी एक मुरत लुभानी एक सूरत लुभानी एक मूरत लुभानी एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। सेकंड स्टैंजा के पहले जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजाया गया है उसके नोटेशंस दिए गए हैं। सेकंड स्टैंजा के नोटेशंस देखते हैं। मीरा के पापा धसा
रे सा नी सा रे, रे ग म ग म प म प ध प ध स नी सा रे, प ध सा रे ग, रे सा रे म रे सा नी, नी रे ग म रे सा नी ध नी सा नी प। इस स्वर समूह को हमें आकार में गाना है। सेम नोटेशंस, राधा नित पपरे श्रृंगार करे और रे रे सारे मारे सासा मीरा सापा बन गई पसा सेकेंड टाइम अंतर क्या प प ध नी नी म दोनों के म ध ध नी नी रे सा 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 प तृप्ति में बोलो प म ध प म ग रे सा एक जीत न माने सा ग प प नि ध ध म म ग रे एक ग म ऑफ बीट हार न माने प ग रे सा सा ग एक जीत न माने म ध म ध प म म ग रे एक ग प म ध प ग रे सा सा एक राधा एक मीरा सेम नोटेशंस दो एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। सेकंड स्टैंजा की हर लाइन को अलग अलग से गाकर देखते हैं। मीरा के प्रभु वन ऑफ बीट गिरिधर बन गई जो
एक जीत न माने, एक हार न माने, एक जीत न माने, एक हार न माने, एक आलाप गाते समय आसानी के लिए हमें केवल ताली और खाली दिखाते रहना है। धागे ना तिनक धिन, ताली खाली, धागे ना तिनक धिन, धागे ना मीरा के प्रभु भी हमें ताल की चौथी मात्रा से ही गाना है। कितना रुकना है वो दिखाया गया है नोटेशंस में। जहाँ पे क्रॉस दिखाया गया है इसका मतलब ये है कि इस आलाप को आपको ताल की पहली मात्रा से गाना है। स्टैंजा और आलाप दोनों को ही हमें चौथी मात्रा से गाना शुरू करना है। धागे ना तिनक धिन, धागे ना मीरा के प्रभु गिरिधर, गाने के बाद हमें सही जगह से स्टैंजा को गाना है, यानी स्टैंजा को ताल की चौथी मात्रा से गाना शुरू करना है। आइए सेकंड स्टैंजा को तबले के साथ गाकर देखें। धागे ना तिनक धिन, धागे ना मीरा के प्रभु गिरिधर, एक रानी एक दासी, इस लाइन को हमें ताल की सातवीं मात्रा से गाना है। धागे ना तिनक एक रानी एक दासी, दोनों हरी प्रेम की प्यासी, अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की तृप्ति, एक जीत न माने, एक हार न माने, एक
चलिए देखें गीत की एंडिंग किस तरह से करना है। एक एक प्रेम दीवानी, सेम नोटेशंस, एक गमा ऑफ बीट, दरस दीवानी पगरे सा गमा, एक प्रेम दीवानी धसा सा 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 निध मगरे, एक दरस दीवानी ग प म ध प ग रे सा सा। एक साथ गाकर देखते हैं। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। पहले दिन एक स्टैंजा याद करिए, अगले दिन आलाप याद कर लीजिए और तीसरे दिन सेकंड स्टैंजा याद कर लीजिए। हो गया गीत तैयार? इसी तरह पेशेंस रखते हुए सीखते रहिए, गाते रहिए, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। हम फिर मिलेंगे एक नए गीत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर, आई लव यू। और यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर कि ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, नमस्ते।